हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्लास सेवन सोशल स्टडी बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ एंड वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी एंड वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इक्वालिटी. दिस इज आवर 10th वीडियो. लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. देयर आर सेवरल लॉ इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. भारत में बहुत सारे ऐसे सिविल राइट्स हैं, सेवरल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं इक्वली ट्रीट करने के लिए. उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस राइट्स. देयर आर ऑल्सो लॉ टू प्रिवेंट द अनइक्वल ट्रीटमेंट टू पर्सन हु आर इन द डिसएडवांटेजस पोजिशन. वो पर्संस जो डिसएडवांटेजस पोजीशन में हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, छोटे लोग हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लॉ. ऐसे कई लॉ भारत में बने हुए हैं. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्पेशल बेनिफिट टू दी गिव टू दी सम एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटीज सच एज दलित. भारत में बहुत सारे ऐसे स्पेशल लॉज हैं, बेनिफिट्स हैं जो डिसएडवांटेज पीपल्स को, मेंबर्स को सोसाइटी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. और ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनका नाम ऐसे ही एक ग्रुप का नाम है जिसको हम दलित कहते हैं. दिस इज टू हेल्प देम टू ग्रेजुअली अटेंड अ सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस इक्वल टू दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. और ऐसे ही कुछ लॉ हैं, ऐसे ही कुछ कानून हैं जो इनको हेल्प करते हैं सोसाइटी में सोशली और इकोनॉमिकली एक समान स्टेटस के लिए, एक समान सोसाइटी में रिस्पेक्ट के लिए और मिल सके, इनको स्टेटस मिल सके, रिस्पेक्ट मिल सके. द गवर्नमेंट रन वेरियस स्कीम फॉर दिस पर्पस. और इस तरह की इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्कीम्स जो है वो रन करती है, चलाती है. और ऐसी ही कुछ स्कीम्स में से एक स्कीम है मिड डे मील, यानी कि जो दोपहर का खाना जो सरकारी स्कूल्स में मिलता है बच्चों को, वो एक ऐसी ही स्कीम्स है. दिस हैज मैनी एडवांटेज. इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि मैनी पुअर चिल्ड्रेंस हु डू नॉट गेट इनफ फूड आर इनकरेज टू अटेंड स्कूल इन द होप ऑफ फ्री मील. बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनको इससे काफी प्रोत्साहन मिलता है. वो इनकरेज होते हैं कि वो स्कूल अटेंड करें, खाने की वजह से वो स्कूल अटेंड करते हैं ताकि उन्हें वहाँ खाना मिल सके. और इसकी वजह से उनको वहाँ एजुकेशन भी मिलती है, खाना भी मिलता है. ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कास्ट टेक अ मील टुगेदर. यहाँ पर हर एक कास्ट के स्टूडेंट्स, चाहे वो अपर कास्ट का पुअर पर्सन हो या लोअर कास्ट का पुअर पर्सन हो, सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं. एंड ऑफन दलित वुमेन वर इनकरेज टू कुक द मील. दिस इज हेल्प रिड्यूस द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. और यहाँ पर दलित वुमेन्स जो हैं वो स्पेशली खाना बनाती हैं. ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं. सम टाइम हाउ एवर वी हेयर द स्टूडेंट रिफ्यूजिंग टू ईट फूड कुक्ड बाय द दलित. कभी कभी हमें देखने को सुनने को मिलता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो दलित वुमेन्स के थ्रू बनाया हुआ खाना खाने से रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं. दलित स्टूडेंट्स बाय दलित एंड दलित स्टूडेंट बींग मेड टू सिट अपार्ट एट मील. और जब उनको खाना मिलता है तो दलित स्टूडेंट को उनसे कुछ अलग जाकर बैठाया जाता है. सच थिंग विल ओनली स्टॉप व्हेन वी चेंज आवर एटीट्यूड. और ये सारी चीजें तभी बता सकती हैं जब हम अपना एटीट्यूड बदलेंगे. धन्यवाद.